दिल्ली में अधिकारियों की पूरी टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री को ढूंढ रही थी, तभी केजरीवाल एमपी में खुली बस में घूम रहे थे। तस्वीर देख अफसरों के उड़े होश, तो शाह को आया गुस्सा। केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सताया, तो क्या केजरीवाल की कुर्सी खतरे में है? आखिर किस बात के डर से केजरीवाल की नींद गायब हो गई? खुद को आम आदमी बताने वाले मुख्यमंत्री अब ईडी के सामने पेश होने से घबरा रहे हैं और डर डर कर भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी के हाथ कौन सा तगड़ा सबूत लगा जो सीधा समन भेज दिया? 2 नवंबर को केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका आम आदमी पार्टी जता रही थी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल अचानक दिल्ली से गायब हो गए और एमपी के खुली बस में सरजी दिखे, तो दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के होश उड़ गए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी का दावा है कि 3 राज्यों के और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन आतिशी ने जिनका नाम लिया उन पर आरोप क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना सबूत की एजेंसी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लैंड फोर जॉब स्कैम में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, सीबीआई से पूछताछ कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी टी वीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जांच में मुश्किल बढ़ सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के दामाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के खिलाफ भी कई मामलों में एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन सभी एजेंसियों को पीएम मोदी का साफ मैसेज है कि किसी की पावर से घबराना नहीं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, जिसके चलते कई बड़े लोग भी एजेंसियों की रडार पर हैं। हालांकि कोई भी एजेंसी किसी बड़े सबूत की कार्रवाई नहीं कर सकती, तो केजरीवाल के खिलाफ ईडी के हाथ ऐसा क्या लगा जो सिसोदिया और संजय को अब तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली और अब सरजी भी फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर सबूत नहीं है तो ये केस ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, जिसके बाद ईडी ने 338 करोड़ के लेनदेन के अस्थायी सबूत पेश किए और अब ईडी के हाथ कुछ तो ऐसा लगा होगा जो केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि केजरीवाल को जब दिल्ली में ईडी की टीम तलाश रही थी, तब केजरीवाल एमपी के सिंगरौली में खुली बस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। इस मौके पर वो इमोशनल हो गए और कहा कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे पता नहीं कि वो जेल में रहेंगे या बाहर। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया, जिसके बाद ईडी ने 2 नवंबर को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद दोबारा पेश होने के लिए समन भेजा गया। अब अगर दूसरे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी के पास क्या विकल्प रहेगा? क्या सीएम केजरीवाल की सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी? तो इसके लिए ईडी की शक्तियों को समझना जरूरी है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। हालांकि इस मामले में ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी के 5 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुए। ऐसे में दूसरी बार पेश न होने पर दोबारा एजेंसी समन भेज सकती है। वहीं चर्चा ये भी होने लगी कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसा बिहार में लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन केजरीवाल परिवारवाद की सियासत में नहीं फंसेंगे और उनकी पत्नी भी पूर्व अधिकारी है और राजनीति से दूर है, ऐसे में इसके आसार ना के बराबर है। वैसे आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।